नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैथो फार्मा चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है कि जो अंडकोश रहते हैं या जो टेस्टिस रहते हैं ये ऊपर नीचे क्यों होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक और लूज क्यों हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो अंडकोश रहते हैं, जो एक स्क्रोटम रहता है, एक थैली रहती है जो पेनिस के पीछे हमें देखने को मिलती है, तो ये बॉडी के बाहर रहते हैं। अंडकोश जो रहते हैं या टेस्टिस जो रहते हैं ये बॉडी के बाहर रहते हैं, एक थैली के अंदर रहते हैं। तो इसमें जो स्पर्म डेवलपमेंट होता है, स्पर्म डेवलपमेंट होने के लिए जो टेम्परेचर लगता है ये बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम लगता है। तो हम देख लेते हैं कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन बॉडी का, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस रहता है या फिर 97 या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जो टेम्परेचर नोट करते हैं। तो ये दो तरीके से बॉडी टेम्परेचर नोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर 37 डिग्री सेल्सियस है अगर बॉडी टेम्परेचर, तो 35 के आसपास जो है स्क्रोटम के अंदर का टेम्परेचर रहता है, क्योंकि इतना ही जो है 2 से 3 डिग्री जो है टेम्परेचर जो है स्पर्म डेवलपमेंट के लिए कम लगता है, ये उसका एक नेचर है। तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर उसे मेंटेन करना रहता है, जब स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम का मेन काम यही है, जो थैली जिसमें के अंदर जो रहते हैं अंडे, उसका मेन काम यही है कि जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन किया जाए। उसे क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है या टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी ये स्क्रोटम को कहा जाता है। तो जब टेम्परेचर से मेंटेन करना रहता है, ज्यादा टेम्परेचर अगर कम हो गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर ऊपर चले जाता है, ताकि वो जो बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से वो थोड़ा सा टेम्परेचर ले सके, हीट ले सके। और अगर ज्यादा अगर बॉडी का टेम्परेचर हो गया है तो वो बॉडी से थोड़ा दूर हो जाता है, वो लूज हो जाता है, ताकि जो टेम्परेचर है स्पर्म के अंदर वो मेंटेन रहे, ताकि जो अंदर जो स्पर्म है या जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जो शुक्राणु हैं उनके डेवलपमेंट में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर इमैच्योर स्पर्म जो है डेवलप ना हो जाए। तो इसीलिए जो अंडकोश है जो या फिर थैली है जो ये अंदर बाहर होती रहती है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं रहती है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल है, नैसर्गिक है, नेचुरल है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।